कार्यक्रम के तहत मतिमंद बहु विकलांग विद्यार्थियों की सुंदर प्रस्तुति चिंच भवन शंकरपुर वर्धा रोड में आयोजित की गई थी, जिसमें मतिमंद बच्चों द्वारा एक से बढ़कर एक राखी और दूसरे उत्पादनों की प्रदर्शनी रखी गई, जिसमें नागरिकों का भरपूर प्रतिसाद मिल रहा है। स्वीकार मतिमंद सीपी ऑटिस्टिक बहु विकलांग मुलांचा पालकांची संस्था नागपुर की ओर से चिंच भवन शंकरपुर वर्धा रोड में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में दिव्यांग बच्चों द्वारा विनाइल, राखी आदि के स्टॉल लगाए गए थे। आपको बता दें कि 13 बच्चों की मेहनत से एक दिन में 1000 राखियां बनाई गई, ऐसी जानकारी आयोजक ने इस दौरान दी। मैं सत्या विनाइल लिक्विड से विद्यार्थी विनाइल वगैरह लिक्विड लगा रक्षाबंधन राखिया गुड़िया आम्मी शिकाचार संस्थेकून आलो है। इतने आम्मी इतने स्टॉल लवेला है। थैंक यू आने बेबे प्लरी मन होते मज शिवाजीनगर रहो सदा आमचा वर्षा मधे स्वीका मधे आम्मी मेम्बर है। सदा राख्या टॉल फिनाई लिप्विशोप प्लेटा पांट्या हार तोरण राखिया ये आम्हाला माराम करून आम्हाला शिकवला आहे। आणि आता माझं ना स्वीकारमध्ये मंजीमंद मेंबर आहे आणि साबीचा परिवार। संदीप श्रीराम बोरगावकर, मी शंकरनगरमध्ये राहतो आणि या स्वीकारशनामध्ये मी काम करतो। इथे सगळंच म्हणते हार तोरण झुंबर राख्या लिक्विड सोप फिनाईल आता नवीन नवीन प्लेटा आता आम्ही प्रिपेर पिक्चर प्लेटा पण तयार करतो। अजून गुढ्या अजून असे सगळे आम्ही काम इथे तिथे करतो। किती दिवस बनवले आम्ही? रोजच बनवतो राख्या आम्ही। आता म्हणजे रक्षाबंधनापर्यंत आम्ही राख्यात बनवतो। मग दिवाळीला पंट्या हे अजून अशा सगळ्या वस्तू आम्ही तिथे बनवतो। आयोजित इस कार्यक्रम में मतिमंद बच्चों द्वारा एक से बढ़कर एक चीजें बनाई गई थी, जो लोगों को अपनी ओर सहज ही आकर्षित कर रही थी। NBC न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन राजकुमार मोहड़ के साथ रूपा पंडित की रिपोर्ट।